तो मम्मी और मैं निकल चुके हैं खेतों की ओर। हाय गाइस, मैं धान काट रही हूँ। दो कोई काट दे। हाँ, ताई का धान काट। मेरे पूरे पीछे देखो, पूरी धान की खेती लगी है। ओए सुअर ने आज इतना नुकसान कर रखा है ना पूरा। हट, डर आ गया तूने मेरे को। जिस दिन मैंने चमसूर का पुलाव बनाया था, बहुत सारे लोगों का मुझसे ये क्वेश्चन था कि चमसूर होता क्या है। चमसूर ना मेथी के टाइप का एक सब्जी होती है। ये वाला खेत कितना हरा भरा हो गया। बन गई हमारी चाय और बिस्किट। मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही हैं और मैं बना रही हूँ पनीर। ये है काटा वाला धान और ये सुंगर का माड़ा हुआ धान। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा पिथौरागढ़ भटकट्टा से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल द स्टार्टअप व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और हमारा जो सुबह का सारा काम होता है वो हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है हमारा और आज का मौसम भी साथ ही साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा हो रखा है। धूप निकली हुई है, अभी अभी शुरू हो रही है धूप निकलनी, हल्का बादल भी लग रहा है और खेत आपको पता ही है मैं रोज ही बोल रही हूँ कि खाली होते रह रहे हैं धीरे धीरे, तो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है ये सारी चीजें। और रोज रोज आपको घर का व्लॉग दिखाया जाता है तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको दूसरी जगह का व्लॉग दिखाया जाए। तो जहाँ हम पानी भरने के लिए जाते हैं वहीं से थोड़ा और नीचे को, हुड़कन्ना की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जहाँ मैं कल गई थी पानी भरने के लिए मम्मी के साथ, वहीं से थोड़ा नीचे को मामी लोगों के खेत है तो हम वहीं जा रहे हैं मम्मी और मैं खेतों की सैर करने और साथ में धान काटेंगे मम्मी और मामी। अगर मुझसे हुआ तो थोड़ा मैं भी काटूंगी, वैसे तो आता है मुझे पर लेकिन ना जैसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है तो मेरे को अच्छे से नहीं आता है, हल्का हल्का आता है, आंसी चलानी आती है। तो नीचे जाती हूँ और मम्मी के साथ ही साथ जाते हैं खेतों की ओर। तो मम्मी और मैं निकल चुके हैं खेतों की ओर, मामी भी आ रही है, मामी के घर के यहाँ पे पहुंचे अभी हम बस। हमारी मासी मासी पर नाम कहाँ भाग रहे हो आप ब्लॉग में से? सब सब बोले थे तेरी स्लिम मासी को देखना है। बल आज सब खेतों में यहाँ रखे हैं, मम्मी भी है यहाँ पे, मौसी भी और ताई भी धान काटते हैं इधर। हेलो गाइस बोलो। हाय गाइस, मैं धान काट रही हूँ। जा दो कोई काट दे। हाँ, ताई का धान काटने जा दो कोई। हाँ, धान काटने। अच्छा, यहाँ से खाली यहाँ पे धान कटे हुए हैं आधे और पराल बिछा रखा है पूरा और ये है धान। यहाँ ये इतने प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ, मेरे पूरे पीछे देखो, पूरी धान की खेती लगी है। ये सुअर ने रास्ता बना रखा है, ये देखो धान ऐसे बना ये सुअर ने पूरा खेत दल के कैसा बना रखा है, पार्टी करके गया है ये। सुअर ने आज इतना नुकसान कर रखा है ना पूरा। हट, डर आ गया तूने मेरे को। ये कितना खुश हो रहा है। धान तोड़ के कैसे कर रहे हैं? बोले खा गया नहीं धान। तो ये गाड़ा तो पकी लिखी थी ना मैं, वो तो और काटने वाला कैसे काटेगा इसको? ओए तू भी धान काटना है? ये देखो सुअर ने कैसा नुकसान कर रखा है इधर। ये यहाँ कोई मारने नहीं, कोई गोल नहीं मार देंगे यहाँ। ओए 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 ओए, रात को क्यों नहीं आया तू इधर? हैं, रात को क्यों नहीं आया तू?
क्यों नहीं आया तू रात को? ये है काटा वाला धान और ये सुंगर का माड़ा हुआ धान। मामी लोगों के पास दो ही आंसी थी, एक मम्मी के पास है एक मामी के पास है। और ना सुअर ने बहुत ही गंदे कर रखे, जैसे कि आपने ब्लॉग में देख लिया होगा कि कितने गंदे कर रखे उन्होंने धान पूरे तोड़ के। तो मैं अब घर को ही जा रही हूँ खेती देख के, और मेरा एक प्रमोशन आ रखा है तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी देना है ना, इससे अच्छा घर ही चले जाते हैं, प्रमोशन भी हो जाएगा मेरा बन जाएगा और साथ ही साथ में दिन का खाना भी बना लूँगी। तब तक मम्मी भी आ ही जाएगी क्योंकि धान आधे ही हो रखे हैं, आधे हरे ही हैं अभी। खेत से मैं आ गई थी और मेरा जो प्रमोशन वीडियो था वो बन चुका है, अब हो गया है खाना बनाने का टाइम दिन का। आज मैं फिर से चमसूर का पलाव बना रही हूँ। और जिस दिन मैंने चमसूर का पलाव बनाया था, बहुत सारे लोगों का मुझसे ये क्वेश्चन था कि चमसूर होता क्या है। चमसूर ना मेथी के टाइप का एक सब्जी होती है और ये इसके पत्ते इस टाइप के होते हैं, हल्के धनिया की तरह, धनिया होता है जैसा उसकी तरह होते हैं हल्के हल्के, लेकिन इसकी खुशबू अलग आती है और इसकी सब्जी भी बनती है जैसे मेथी की सब्जी बनती है उसी टाइप का होता है ये भी। तो इसी का पलाव बना रही हूँ मैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कसूरी मेथी होती है उसका, उसकी झोली या पलाव जो भी कह सकते हैं वो बनाते हैं, तो उसी प्रकार से बनाते हैं हम चनसूर का पलाव। ये बन गया मेरा चावल और ये बना चनसूर और एक आलू डाला है उसका पलाव। ये वाला खेत कितना हरा भरा हो गया। गार्डन में पानी सब्जी में, साथ ही साथ में गोभी के जो पेड़ है उनमें गोबर भी डाल दिए हैं। और अब मैं बनाती हूँ मम्मी और पापा के लिए चाय। बन गई हमारी चाय और बिस्किट। ओए ले रॉकी, रानी मम्मी और मैं जा रहे हैं पानी भरने के लिए। रोज पानी भरने पहुंच जाते हैं हम। आजकल हमने नई जगह ढूंढ ली है पानी भरने की। रात के खाने की तैयारी हमने शुरू कर दी है और आज हम मटर पनीर बना रहे हैं। बहुत दिनों से हम ऑर्गेनिक सब्जी खाते तो लोगों के कमेंट भी आने लग गए थे कि रोज तुम ये लौकी तोरी ये सारी चीजें ही खाते हो, तो हमने सोचा क्यों ना आज पनीर लिया जाए। तभी आज हम पनीर बना रहे हैं मटर पनीर। और मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही हैं और मैं बना रही हूँ पनीर। ये मेरा बन चुका है मटर पनीर के लिए पेस्ट और यहाँ पे मैंने फ्राई कर रखे हैं पनीर, क्योंकि फ्राई वाले ही मैं बनाती हूँ हमेशा। और यहाँ पे मटर भी बॉईल कर दिए मैंने। जो पनीर के लिए पेस्ट बना था उसमें मैंने उबले हुए मटर और फ्राई किया हुआ पनीर और साथ में पानी और थोड़ी दही भी डाल दी है, क्योंकि जब प्याज डाल के बनाते हैं ना पनीर तो थोड़ा मीठा मीठा सा होता है वो, इसलिए दही डाल के थोड़ा सा उसमें खट्टापन आ जाता है और स्वाद भी थोड़ा सही होता है। और मम्मी ने आटा भी गूंद दिया है, बाकी इसको पकने के लिए छोड़ दिया मैंने। और रोटी बनाएंगे हम बाद में 8 या 8:30 बजे। दोस्तों रात का खाना हमारा हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए अपने अपने घरों में। मिलते हैं आपको, बाय बाय। मम्मी और मैं चले खेतों में घूमने, धान काटने।